न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागेश्वर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से उत्तरायणी कौतिक का मेला शुरू हो गया है और यहाँ पर आज बहुत ही खूबसूरत सी झांकी का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप आवाजों को सुन रहे होंगे, विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, हर एक स्कूल से आए हुए यहाँ पर बच्चे हैं जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंडी जो पहनावा है उसमें आपको बहुत से बच्चे यहाँ पर दिखेंगे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झांकी का जो है वो आयोजन आज किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो है नज़ारे यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाले हैं झांकी के, जो स्पेशली हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उतर कर। तो आप लोग बने रहना न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। मैं आपको आज पूरी झांकी जो है वो दिखाने वाली हूँ। ये बेहद ही खूबसूरत झांकी होती है। उत्तरायणी कौतिक मेला आज से शुरू हो रहा है 24 तारीख तक और शुरुआत में ही ये झांकी निकाली जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको किस तरह से, किस खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया जाता है, वो सभी आप इस झांकी में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी इस खूबसूरत सी झांकी का पूरा नजारा। पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं उत्तराखंडी डांस को किस तरह से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है बेहद ही खूबसूरती से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चे पहाड़ी जो है गेटअप में नजर आ रहे होंगे और बहुत ही खूबसूरती से ये अपने कल्चर के जो इनका नृत्य होता है उसको यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी खूबसूरत झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है आज। तो आप बस अपनी नजर मत हटाना आज और आप इंजॉय कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर बेहद ही खूबसूरती से बाबा बागनाथ की नगरी में झांकी जो है वो निकाली जा रही है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुमाऊं की फेमस, पहाड़ की फेमस आप नजारा देख रहे हैं जिसको देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है और जो उत्तराखंड से है उनको तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। तरीके से इस झांकी में अपना पूरा योगदान देते नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इस झांकी को जो है निकाला जा रहा है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं छलिया नृत्य जो यहाँ पर होता है। हर पहाड़ी शादी में ये नृत्य आपको देखने को मिलता होगा। अगर आप पहाड़ से नहीं है तो भी आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नृत्य जो है पहाड़ में किया जाता है। उत्तराखंड की पहचान जो है ये नृत्य है छलिया, इसका भी आप एक बार नजारा ले लीजिए क्योंकि बेहद ही खूबसूरती से इस नृत्य को किया जाता है। और आप देख सकते हैं इनका गेटअप बहुत ही अतरंगी सा होता है जिसको देखकर बहुत ही मन जो है प्रसन्न हो जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं हिल यात्रा। ये आपने देखा होगा कि पिथौरागढ़ में ये पूरी जो है यात्रा का बहुत ही आनंदित तरीके से जो है एक नज़ारा जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर भी उसकी एक छोटी सी झांकी है जिसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से बच्चों के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ ये जो कॉन्सेप्ट है हिल यात्रा का, ये नेपाल से आया हुआ कॉन्सेप्ट है और उत्तराखंड में भी बहुत ही उत्साह के साथ ये हिल यात्रा को जो है मनाया जाता है।
यहाँ पर ना सिर्फ उत्तराखंड के कल्चर को दिखाया जाता है बल्कि जो हमारे पंजाब का कल्चर है, जो साउथ का कल्चर है, उसकी भी छोटी छोटी झांकी आप लोग देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डांस को जो है वो किया जा रहा है अलग अलग गानों पे, चाहे मैं पहाड़ी संगीत की बात करूँ या मैं पंजाबी संगीत की बात करूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे अपने कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये बेहद ही खूबसूरत बच्चे हैं और बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं इस प्यारी सी झांकी में चार चांद लगाने के लिए। तो आप लोग नजारा लेते रहिए, पूरी की पूरी झांकी की कवरेज आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, न्यूज 31 उत्तराखंड आपको दिखाने वाला है। देख रहे हैं खूबसूरत सी झांकी, इनके हाथों में आपको पोस्टर भी दिखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जीने का अधिकार सबका, लड़की हो या लड़की। तो ये एक प्रमोट कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेटे और बेटी दोनों बराबर होते हैं। तो उसकी भी एक छोटी सी झलक आपको यहाँ देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव पार्वती जी की जो झांकी है बड़ी खूबसूरत तरीके से उसका भी जो है आयोजन किया गया है इस जो झांकी में है वो। आप लोग देख सकते हैं लोगों के अलग अलग गेटअप हैं यहाँ पर, बेहद ही खूबसूरत आ रही है सभी लोग लग रहे हैं और बहुत ही मेहनत यहाँ पर ये लोग करते जो है वो नजर आ रहे हैं। नजारा दिखाया बागेश्वर में जो आज झांकी का आयोजन किया गया था उसका, बेहद ही खूबसूरत आपको लगा होगा।